नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिफैक्ट्स पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रयागराज में चल रहे कुछ जरूरी प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और इसके अलावा एक बड़ा एजुकेशनल हब भी है, जहाँ ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे छात्र रहते हैं। अगर प्रयागराज की इकोनमी की बात की जाए तो प्रयागराज की इकोनमी स्टेबल है, जिसमें कि एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, रियल इस्टेट्स, रिटेल, बैंकिंग, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़, रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स मुख्य योगदान डालते हैं। इसके अलावा प्रयागराज का कंस्ट्रक्शन सेक्टर यहाँ की इकोनॉमी में बड़ा योगदान प्रदान करता है। आज हम इस वीडियो में प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। दोस्तों, प्रयागराज को एक नया नज़रिया देने के लिए प्रयागराज में एक इनर रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 98 किलोमीटर होगी। इस प्रोजेक्ट में एक 30 किलोमीटर की सड़क और 2 पुल गंगा पे और 1 पुल यमुना नदी पे पहले से ही बनकर तैयार है। इस रिंग रोड को बनाने में 5,000 करोड़ का खर्च होगा। इस रिंग रोड के बनने से प्रतापगढ़, कौसंबी, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, चित्रकूट, इसके अलावा मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ से सफ़र तेज होगा। अगर इसकी अपडेट की बात करें तो इसकी सर्वे रिपोर्ट प्रशासन को भेज दी गई है। प्रयागराज के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और मजबूत करने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसका निर्माण 2 फेसेस में पूरा किया जाएगा। अगर पहले फेज़ की बात करें तो पहले फेज़ में मेरठ से प्रयागराज तक 596 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। ये 6 लेन वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहाँपुर, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ से होकर गुजरेगा। अगर दूसरे फेज़ की बात करें तो इसके दूसरे फेज़ में मेरठ से गढ़मुक्तेश्वर तक 110 किलोमीटर लंबा किया जाएगा और 314 किलोमीटर प्रयागराज से बलिया तक बढ़ा दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की कॉस्ट 30,000 करोड़ होगी। दोनों फेसेस का काम पूरा होने के बाद इसकी कुल लंबाई 1,020 किलोमीटर हो जाएगी। अगर इसकी अपडेट की बात करें तो इसका निर्माण के लिए 2,000 करोड़ की फंडिंग कर दी गई है। इसके अलावा प्रयागराज को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लिंक करने के लिए प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे 193 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि प्रयागराज के झूंसी से बाराबंकी तक बनाया जाएगा। अगर इसका स्टेटस देखें तो अभी लैंड एक्वाजिशन का काम चल रहा है। इन सभी एक्सप्रेसवे का काम पूरा होने के बाद वेस्टर्न यूपी का सफ़र तेज होगा। अगर प्रयागराज की एयर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो प्रयागराज के बमरौली में एक एयरपोर्ट पहले से ही है। एयर ट्रैवल की बढ़ती डिमांड को देखते हुए यहां 2 दिसंबर 2018 में न्यू टर्मिनल का निर्माण किया गया था। ये टर्मिनल 83 एकड़ में बनाया गया था, जिसमें कि 164 करोड़ का खर्चा हुआ था। इसी बीच अगर प्रयागराज के मेट्रो प्रोजेक्ट की बात की जाए तो प्रयागराज में लाइट मेट्रो चलाई जाएगी, जिसमें कि 2 लाइन्स और 2 कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, जबकि पहला कॉरिडोर 20 किलोमीटर तक का होगा, जो कि बमरौली से झूंसी तक होगा, और इस कॉरिडोर में 20 स्टेशन बनाए जाएंगे। अगर दूसरे कॉरिडोर की बात करें तो ये कॉरिडोर 19 किलोमीटर का होगा, जो कि फाफामऊ के शांतिपुरम से नैनी तक बनाया जाएगा। इसमें 19 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 8,000 करोड़ होगी। अगर इसकी अपडेट की बात करें तो इसका DPR अभी अंडर अप्रूवल है। इसके अलावा अगर प्रयागराज के रेल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो प्रयागराज रेलवे स्टेशन हर समय यात्रियों से भरा रहता है। इसी समस्या को थोड़ा सा कम करने के लिए प्रयागराज जंक्शन से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक तीसरी रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। ये रेल लाइन 150 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें कि 2,650 करोड़ का खर्चा होगा। इसी बीच अगर प्रयागराज स्मार्ट सिटी की बात करें तो प्रयागराज को स्मार्ट सिटी मिशन के चौथे फेज में सिलेक्ट किया गया था, लेकिन प्रयागराज स्मार्ट सिटी मिशन का काम
पहले फेस वाली सिटीज से भी पहले पूरा कर लिया गया है। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रयागराज स्मार्ट सिटी मिशन का 70% से ज़्यादा काम 2019 के कुंभ मेले से पहले ही ख़त्म कर लिया गया था, जिसमें कि रोड्स रीडेवलप, न्यू रोड्स, न्यू ट्रैफिक लाइट्स, रिफर्बिशिंग ऑफ बिल्डिंग्स का काम पूरा किया गया है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रयागराज के सिविल लाइन्स एरिया को लखनऊ हजरतगंज के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, जिसमें कि 20 करोड़ का खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा यमुना नदी के किनारे एक रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा रहा है। ये रिवर फ्रंट 1.35 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें कि 147.3 करोड़ का खर्च होगा। प्रयागराज के लाइफस्टाइल को और बेहतर करने के लिए प्रयागराज में इंडस्ट्रियल टाउनशिप का निर्माण किया जा रहा है, जिसका निर्माण 1200 एकड़ में किया जाएगा। इसके अलावा एक और बड़े प्रोजेक्ट की बात करें जो कि प्रयागराज हल्दिया वाटरवे प्रोजेक्ट है, जिसको कि नेशनल वाटरवे 1 भी कहा जाता है। ये वाटरवे 33 साल पहले खोला गया था, लेकिन तब इसका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, लेकिन 2016 से लगातार इसका विकास हो रहा है, जिसमें कि कई फ्लोटिंग टर्मिनल्स का निर्माण किया जा रहा है। इसी से संबंधित एक फ्लोटिंग टर्मिनल का निर्माण प्रयागराज में भी किया जा रहा है। इसके अलावा यमुना नदी को भी जलमार्ग के रूप में विकसित करने पर काम चल रहा है, जिसमें कि दिल्ली प्रयागराज वाटरवे का निर्माण किया जाएगा। इस वाटरवे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 12,000 करोड़ होगी। दोस्तों, ये सभी प्रोजेक्ट्स पेपर वर्क पर हैं। इनका ज़मीनी स्तर पर क्या अपडेट है, अगर आपको पता हो तो हमें ज़रूर बताएं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रयागराज के आईटी प्रोजेक्ट्स की। तो दोस्तों, प्रयागराज में आईटी प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत सरस्वती हाईटेक सिटी प्रस्तावित है। ये हाईटेक सिटी बहुत बड़ी सिटी है, जिसका निर्माण 1138.78 एकड़ में नैनी क्षेत्र में किया जाएगा। इस आईटी सिटी में एग्जीबिशन सेंटर्स, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल्स, पार्क्स, मेगा मॉल्स, होटल्स, ऑफिसेस, हाउसिंग सोसाइटीज आदि का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा इस सिटी में एक क्रिकेट स्टेडियम और एक यूनिवर्सिटी का भी निर्माण किया जाएगा। अगर इसकी अपडेट की बात करें तो इसका पेपर वर्क चल रहा है। इसके अलावा नैनी में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें कई तरह की इकाइयां लगाई जाएंगी। अगर इसकी अपडेट की बात करें तो इसका लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। दोस्तों, इन प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट होने के बाद प्रयागराज और अगल बगल के क्षेत्रों में रोजगार के मौके पैदा होंगे। दोस्तों, ये सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे तो प्रयागराज एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन जाएगा, जिससे कि बहुत सारे रोजगार के मौके पैदा किए जा सकेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।